आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर नगर निगम द्वारा तिरंगा मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 450 से ज्यादा युवाओं ने प्रतिभाग किया। महापौर सीताराम जायसवाल एवं नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने हरी झंडी दिखाकर प्रतिभागियों को मैराथन के लिए रवाना किया, जो नगर निगम से प्रारंभ होकर गोलघर, शास्त्री चौक, ट्रांसपोर्ट नगर, फल मंडी, रुस्तमपुर चौराहा, देवरिया बाईपास, पैडलेगंज चौराहा, मोदीपुर चौक, विश्वविद्यालय चौराहा, पुलिस लाइन, काली मंदिर तिराहा होते हुए नगर निगम के मुख्य गेट पर समाप्त हुआ। प्रथम विजेता को 51,000 एवं द्वितीय पुरस्कार 31,000 तथा तृतीय पुरस्कार 21,000 के साथ शील्ड मेडल प्रमाण पत्र दिया गया है। जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि पूरा देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसमें 12 किलोमीटर लंबी मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। आज के तिरंगा मैराथन में आम लोगों के मन में देशभक्ति की नई भावना को जागृत करना और उनकी देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना है, यही हम सबका उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब इस प्रकार का आयोजन किया जाए तो अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपना स्थान सुनिश्चित करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, व्यवस्था दुरुस्त रखे, सारे डिवाइडरों पे व्यवस्था दुरुस्त रखे। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पीछे के लोग ऑफिसियल अपने धावक के ही सुरक्षा में रहेंगे, क्योंकि देश आधा
दिखाइए फोटो भी जो होता है ना सब कुछ। आज पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और पूरा देश इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। आज जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, इन कार्यक्रमों के माध्यम से पूरा देश आज़ादी के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। और उसी की कड़ी में जो दिनांक 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम चल रहा है, उसी की कड़ी में नगर निगम गोरखपुर ने भी 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक के तिथिवार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें से कल आपने देखा होगा कि लगभग 400 से ऊपर चार पहिया वाहनों के माध्यम से तिरंगा वाहन रैली पूरे शहर में निकाली गई और शहर के लोगों के मन में आज़ादी के जो इस कार्यक्रम के प्रति एक नया जुलूस, जुनून, एक जोश पैदा करने का प्रयास किया गया। और आज जो है प्रातः 6 बजे से पूरे शहर में लोगों को एक आंदोलन के प्रति, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति एक नए जोश खरोश भरने के लिए हम लोगों ने मिनी मैराथन का, जो कि 12 किलोमीटर लंबी थी, उसका आयोजन किया है। और उस आयोजन में जीतने वाले को हम लोग प्रथम पुरस्कार जो है वो 51,000 रुपये का, द्वितीय पुरस्कार जो है वो 31,000 रुपये का और तृतीय पुरस्कार जो है वो 21,000 रुपये का है। इसके साथ साथ हम लोग 10 कंसोलेशन कैश प्राइज भी हम लोग दे रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि पूरे जो हमारी आज का तिरंगा मैराथन है, आम लोगों के मन में देशभक्ति की नई भावना को जागृत करना और उनके देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना है। निश्चित रूप से यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है और इससे हमारे देश की एकता और अखंडता को और भी बल मिलेगा।